हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। आज आप लोगों का सर टैक्स का एग्जाम था। आई होप सो अच्छा हुआ होगा। अब अच्छा हुआ है नहीं हुआ है उसको बिल्कुल साइड में रख देना एंड फोकस ऑन योर ग्रुप टू एग्जाम्स। ठीक, देखो जिनके ग्रुप वन के एग्जाम्स थे, सिर्फ जिन्होंने ग्रुप वन के लिए ऑप्ट किया था उनके खत्म हो गए, उनके लिए तो सर मस्ती का टाइम है, खूब इंजॉय कीजिए। और जिन लोगों के सर ग्रुप टू के एग्जाम्स हैं, जिन्होंने बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर रखा है, उनके लिए सर अभी चार पेपर और हैं। और जो स्टार्टिंग ही ग्रुप टू से कर रहे हैं, जिनका ग्रुप वन क्लियर है, उनके लिए सर अब एग्जाम स्टार्ट है। ठीक, तो जैसा भी है सर, आप लोगों को अब लगे रहना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। जनरली इस टाइम पे क्या होता है कि जो जनरली बच्चा बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई करता है वो ग्रुप वन देने के बाद थक जाता है। ये फैक्ट है, थक जाता है। देखो चार पेपर हैवी पेपर्स हैं। ठीक, बच्चा थक जाता है, उसके बाद वो ग्रुप टू में इतने एफर्ट नहीं लगाता और एफर्ट ना लगाने की वजह से उसका ग्रुप टू रह जाता है। तो ऐसा मत करो सर, अभी आपके पास है, लगा लो आपके ऊपर प्रेशर है ग्रुप टू का, तो पूरी जी जान से अभी तक जितनी मेहनत करी है उतनी मेहनत अभी आपको ग्रुप टू में भी करनी है। ठीक, चलो तो आप लोगों का एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, 14th को आपका एग्जाम है। इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करी है, प्लस मैं आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने ग्रुप वन अकाउंट्स में भी करी थी और बच्चों को काफी उससे बेनिफिट मिला था। बहुत बच्चों ने उन क्वेश्चन को किया और सर काफी हद तक चीजें एग्जाम में मिलती जुलती मैच होती हुई आ गई थी और पेपर बच्चों का अच्छा भी हुआ था। अब एडवांस अकाउंट्स में भी कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट तैयार करी है। देखो एडवांस अकाउंट्स में नंबर स्कोर करना एज कंपेयर टू अकाउंट्स आसान होता है। क्यों? क्योंकि सर एडवांस अकाउंट इज इजी एज कंपैरिजन टू अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में माइंड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है, एडवांस अकाउंट्स में इतनी माइंड एप्लीकेशन नहीं होती है। सिर्फ एक दो टॉपिक्स है सर, मैं तो एक ही टॉपिक मानता हूँ एडवांस अकाउंट्स में जिसमें दिमाग लगता है, जो कि है कंसोलिडेशन का। बाकी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है एडवांस अकाउंट्स में जितमें बहुत ज्यादा माइंड एप्लीकेशन हो, बाकी सीधे सीधे से चैप्टर ज्यादा लगते हैं। ठीक, बाकी डिपेंड करता है सर स्टूडेंट की क्या किस हिसाब से उसकी तैयारी है। चलो अब आज आपका जो पहला दिन है, डे वन, आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, आज का दिन ही खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको अभी, ठीक है आप एग्जाम से आए हो लगभग इसी टाइम पे, तो वैसे मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट भी हो गया क्योंकि मैं कहीं बाहर था। जनरली मेरे को वीडियो लगभग 5:30 के आसपास आपको दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये आपको 6:30 के आसपास मिलेगी, 6:30 पौने 7। खैर जो भी है, आप लोगों को जो पढ़ाई शुरू करनी है वो लगभग 8 बजे के आसपास शुरू करनी है। 8 बजे के आसपास आप लोगों को अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक सर, तब तक क्या करेंगे, तब तक आप लोग रेस्ट करो, सो जाओ, खाओ पियो, आराम से रेस्ट करो। टीवी वीवी ये सब मोबाइल वोबाइल में मत लगना, बेटर टू रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा माइंड को शांत करो और 8 बजे तक आप लोग रिलैक्स करो। देन आपका पहला स्लॉट जो शुरू होगा वो होगा सर 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का, आज के दिन का पहला स्लॉट। आज एक ही स्लॉट निकालेंगे हम लगभग 4 से 4:30 घंटे का, 8 बजे शुरू करोगे और 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोगों को पढ़ाई करनी है। आज क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट भी है और छोटे छोटे टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज कर लेना, एनबीएफसी का टॉपिक कर लेना। ये दोनों सर 12 से 16 नंबर की वेटेज रखते हैं, दोनों टॉपिक 12 to 16 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, बैंकिंग और एनबीएफसी। इंपॉर्टेंट है, आसान है, आराम से हो जाते हैं, तो ये दोनों चैप्टर कर लेना। ईसॉप्स का चैप्टर कर लेना, ये भी छोटा सा चैप्टर है। बायबैक और ईएसडीआर का चैप्टर, ये भी छोटा सा चैप्टर है। दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक कर लेना, AS20 और AS26। देखो एडवांस अकाउंट्स में मैंने क्या करा है, हर स्लॉट में ना कुछ स्टैंडर्ड डाले हैं, क्योंकि एडवांस में सर स्टैंडर्ड्स का कंटेंट ज्यादा है, ग्रुप वन अकाउंट्स में नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स कम थे, इसलिए मैंने ग्रुप वन अकाउंट्स में क्या बोला था कि स्टैंडर्ड्स आप एक ही बारी में बैठो और 7-8 स्टैंडर्ड एक ही बारी में 4-5 घंटे लगा के पढ़ लो। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स ज्यादा है, इसलिए मैंने हर स्लॉट में दो दो तीन तीन स्टैंडर्ड्स को ऐड कर दिया है, सो दैट आपको एक ही बारी में स्टैंडर्ड्स पढ़ते पढ़ते आप बोर ना हो जाओ, इसलिए हर स्लॉट में मैंने स्टैंडर्ड को ऐड कर दिया। तो आज के दिन में आपको 4 तो चैप्टर करने हैं, बैंकिंग, एनबीएफसी, ईसॉप, बायबैक, और 2 स्टैंडर्ड पिक करने हैं आपको, AS20 और AS26, दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट चीजें आप आज के दिन में ही कर लोगे। देखो अब 8 बजे पढ़ने बैठोगे, थोड़ा जब उठ के मतलब सो के रेस्ट करके उठोगे तो क्या होता है, स्पीड आपकी तेज होगी। या तो कुछ बच्चे आज का टाइम खराब करेंगे या कुछ बच्चे आज का टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो आपको यूटिलाइज करना है आज का टाइम बहुत अच्छे से। लिमिटेड टाइम में आज कोई बहुत ज्यादा आप तो निकाल नहीं सकते पढ़ाई का टाइम, लेकिन लिमिटेड टाइम में 4-5 घंटे है, तो 4-5 घंटे में आप इतने टॉपिक्स बड़े आराम से कर सकते हो। इनके लिए मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं, कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, देन कल का दिन डे 2, 13 जुलाई, यहां पर आपको सर आप आज 12 साढ़े 12 तक सो जाओगे तो कल सुबह सुबह आप लोग लगभग 6 बजे के आसपास पढ़ने बैठोगे। ठीक, तो 6 बजे से लेकर कल आपको 12 बजे तक की पढ़ाई निकालनी है, पहला स्लॉट निकालना है कल के दिन का। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
6 बजे से लेकर 12 बजे तक का स्लॉट निकालना है। इसमें बीच में आप आधे घंटे का गैप ले लेना जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना। सुबह सुबह सर आप लोग क्या करोगे? सुबह सुबह सर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी भरा होता है, ज्यादा से ज्यादा हम चीजें कवर कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक्स पिक करें, जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो सुबह सुबह उठते ही, अमेलगमेशन का टॉपिक करो इंक्लूडिंग AS14, AS14 भी पढ़ना है, अमेलगमेशन भी पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है सर। लिक्विडेशन का टॉपिक करो, तीन तो टॉपिक करोगे आप, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन एंड लिक्विडेशन। इंटरनल, अमेलगमेशन, लिक्विडेशन ये थोड़े ना एक जैसे से टॉपिक्स हैं, तो इनको सबसे पहले सर उठा के आप पढ़ लो, पढ़ लो ठीक। उसके बाद आपको 4 स्टैंडर्ड पढ़ना है कल सुबह सुबह में, AS7 कंस्ट्रक्शन वाला, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 17 पढ़ना है आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग, और 24 पढ़ना है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये सब आप लोगों को क्या करना है सर, कल सुबह सुबह के पहले स्लॉट में लगभग 5.5-6 घंटे का जो आप स्लॉट निकालोगे उसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, लिक्विडेशन और 4 स्टैंडर्ड पढ़ने, AS7, 9, 17 एंड 24। अगेन करना कैसे है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और ICAI के जो मैंने क्वेश्चंस आपको लिख के दिए हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस करके चलोगे ठीक। उसके बाद आप 12 बजे तक पढ़ोगे, उसके बाद आप 2 घंटे का गैप दोगे। 2 घंटे में क्या करेंगे सर, 2 घंटे में आप थोड़ा नहा धो लेना, क्योंकि नहाए तो होगे नहीं आप ठीक, नहा धो लेना, लंच कर लेना, एक नैप ले लेना ठीक। उसके बाद फिर आपको सेकेंड स्लॉट निकालना है कितने बजे तक का, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का। इसमें भी आप आधे घंटे का बीच में गैप दे देना, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का स्लॉट। यहां पर क्या है सर, प्रेशर बिल्ड हो चुका है क्योंकि अगले दिन एग्जाम है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ गई होगी। तो यहां पर मैंने टॉपिक्स कौन से पिक करे हैं, डिसोल्यूशन और अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म्स, मतलब पार्टनरशिप पूरी पक कर ली। अब पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट है सर, पूरी पार्टनरशिप में से 15-20 नंबर तक का मान के चलो पेपर आ जाएगा, एक 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और 5 नंबर का LLP की थ्योरी में से क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए LLP थ्योरी पूरी पढ़ लेना जो ICAI की स्टडी मटेरियल में दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जितने टॉपिक्स ICAI के स्टडी मैट में है उतना पढ़ लेना LLP थ्योरी के लिए। तो आपको पूरी पार्टनरशिप पिक करनी है कल 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, और उसके बाद 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक करने हैं। 3 रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जैसे AS4, AS5 और AS29, ये तीनों एक जैसे स्टैंडर्ड है, एक साथ पढ़े जाते हैं। फिर उसके बाद एक AS22 डेफर्ड टैक्स वाला और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड AS19 लीजेस वाला। ये आप कब पकड़ोगे सर, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, कल 2 बजे से लेकर 7 बजे तक में सेकंड स्लॉट में आप पकड़ोगे ठीक। उसके बाद आपको 1.5 घंटे का गैप देना है, 7 बजे के बाद आप उठोगे, थक जाओगे, 1.5 घंटे का गैप देना है। इस 1.5 घंटे के गैप में क्या करोगे, थोड़ा अगर इवनिंग वॉक पसंद करते हो तो इवनिंग वॉक पे चले जाना, इस टाइम पे नैप वैप तो कोई लेता नहीं है, इवनिंग वॉक पे चले जाना, डिनर विनर कर लेना, किसी से बात करनी है बात कर लेना, फैमिली के टाइम साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेना, टेरेस पे चले जाना, सॉन्ग सुन लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आपको 1.5 घंटे रिलैक्स करना है। नैप लेने का मन हो तो नैप ले लेना, जनरली आती नहीं है इस टाइम पे, बाकी जो भी है 1.5 घंटा आप रेस्ट करोगे। उसके बाद आपका थर्ड स्लॉट रहेगा कल के दिन का फाइनल स्लॉट, 4 घंटे का, 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का। इसमें आप लोग क्या क्या टॉपिक उठाओगे, इसमें आप कंसोलिडेशन उठाओगे और AS18 उठाओगे, ये दोनों एक जैसे से हैं क्योंकि AS18 की कुछ कुछ बातें कंसोलिडेशन में यूज होती हैं, तो AS18 रिलेटेड पार्टी वाला और कंसोलिडेशन, ये 4 घंटे मैंने इसी के लिए दिए हैं क्योंकि सर कंसोलिडेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है ठीक। और इसको मैंने एंड में इसलिए पिक करा है क्योंकि बच्चा जनरली इसको एंड में ही पिक करना पसंद करता है, 2-3 रीजन होते हैं, या तो बच्चा इसको एज अ ऑप्शन छोड़ता है ठीक। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा छोड़ना कुछ मत, हर चीज को जरूर टच करके जाना, यू नेवर नो सर किस टाइप का पेपर आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम जो चीज टॉपिक छोड़ के जाते हैं उसका क्वेश्चन आसान आ जाता है, और जो हम अच्छे से करके जा रहे हैं उसका क्वेश्चन टफ आ गया ठीक। हो सकता है आपने कंसोलिडेशन छोड़ दिया हो लेकिन कंसोलिडेशन में क्वेश्चन बहुत आसान आ जाए, आप आराम से कर लो, और वो तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो इसलिए कल मैंने 4 घंटे रात के इसलिए पकड़े हैं कि AS18 ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, लेकिन कंसोलिडेशन में आप तसल्ली से माइंड लगा सकते हो ठीक। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, एडजस्टमेंट्स पढ़ो, सारी चीजें। इससे हम कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखनी है आपको, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके पास बुक है उसी से ही आपको काम करना है। बेटर टू रेफर योर नोट्स, जो आप नोट्स रेफर करते हो, प्लस ICAI का स्टडी मटेरियल, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको ठीक। तो कल के थर्ड स्लॉट के लिए आपके पास ये काम है, तो कल रात को 12:30 बजे तक आपका कोर्स पूरा हो पाएगा। और ये मैंने बिल्कुल ऐसे दिया है कि आप आराम आराम से करोगे, मतलब किसी भी तरीके के ऐसा नहीं होगा कि आपको भागाना पड़े, भागना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, आराम आराम से आपकी तैयारी होगी। देन Day 3 जो कि आपका एग्जाम डे है, इस दिन पे आप क्या करोगे सर, इस दिन पे भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। सुबह सुबह 6:30 बजे उठोगे, फ्रेश उठना आप 6-6:30 बजे उठना, और 8:30 बजे तक 2.5 घंटे का एक स्लॉट निकालना जिसमें आप क्या करोगे सर, RTPs देख लेना एक बार और MTP देख लेना।
आरटीपी सर कितने देखने चाहिए, पिछले चार अटेम्प्ट के आरटीपी देख लेना, उसके एक बार क्वेश्चंस को ओवरव्यू ले लेना कि भी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं उन्होंने डाल रखे हैं, पिछले चार आरटीपी जरूर देखना। और जो अभी आईसीएआई ने दो मॉक टेस्ट निकाले हुए हैं वो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस देखना, हालांकि आसान है, आरटीपी भी आसान है, मॉक टेस्ट भी आसान है, मैंने पूरा आरटीपी डिस्कशन May 21 वाला यूट्यूब पे डाल भी रखा है, ठीक। तो उस आरटीपी को आप देख लेना, उनके क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना, आसान आसान सी चीजें, ठीक, ये सब कर लेना। उसके बाद एक घंटे का गैप लेना, उस एक घंटे में आप नहाओगे धोगे ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे, देन उसके बाद दो घंटे का स्लॉट और निकाल लेना सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 तक का, इसमें आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहो वो कर लो, ठीक। अगर आपको आरटीपीज एमटीपीज को ही देखना है, आपके कंप्लीट नहीं हुए तो आप उसको देखना चाहते हो, उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, उसको कंटिन्यू कर लो। अगर आपके वो अच्छे से हो गए हैं, उसके बाद आप कुछ रिविजन करना चाहते हो, कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि भाई ये चीजें मेरे लिए टफ है या इसमें मेरे को दिक्कत आती है, उन टॉपिक को रिवाइज कर लो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सर क्या करो, आप इस दो घंटे में बेस्ट है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठा लो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं, एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें प्रोविजंस होते हैं, थोड़ी बहुत चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लो। बाकी सर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एडवांस अकाउंट्स में याद रखनी पड़ती हैं, तो वो याद रखने वाली चीजों की लिस्ट आपके पास अगर होगी तो वो देख लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लेना, ये सब चीजें आप लास्ट के दो घंटे में पढ़ोगे। 11:30 बजे के बाद अवॉइड करना पढ़ना, 11:30 बजे के बाद आपको रेस्ट करना है, माइंड रिलैक्स करना है और अपने एग्जाम सेंटर पर चले जाना। ये सर आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है फॉर योर एडवांस अकाउंट्स, एंड आई अगेन अश्योर यू इस तरीके से चलोगे जैसे आप लोग अकाउंट्स का पेपर बढ़िया करके आए थे, एडवांस उससे भी अच्छा करके होंगे, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। कुछ जनरल टिप्स है जो मैंने आपको अकाउंट्स के पेपर में बताई थी, वही एडवांस अकाउंट्स में भी है कुछ कुछ, जैसे कि आपको सेंटर एटलीस्ट 60 मिनट्स पहले आप सेंटर पहुंचाना, आपको सबको पता लग गया होगा सर चेकिंग में टाइम लगता है। कोविड की पूरी प्रिकॉशंस ले लेना सर, मास्क वास्क सैनिटाइजर वगैरह सारी चीजें कर लेना, पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना, उसमें आप सर कंपलसरी क्वेश्चन मत रीड करना, उसमें सबसे पहले तो आप क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको स्किप करना है छोड़ना है उसको सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आप क्या करना सीक्वेंस बना लेना कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है ना तो सबसे पहले करना चाहिए ना सबसे एंड में करना चाहिए, उसको बीच में कहीं भी एडजस्ट कर देना, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना, वर्किंग नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, assumptions जहां भी दे रहे हो प्रॉपर होनी चाहिए, सब चीजों के मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट वर्किंग नोट्स assumption इनके भी मार्क्स होते हैं, तो जहां भी assumption नोट्स वगैरह दे रहे हो प्रॉपर दे देना। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनानी है सर, ध्यान रखना कई बार बच्चे अजीब अटपटे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर amalgamation ऑफ कंपनीज में कंसोलिडेशन में शेड्यूल 3 बनाऊं या टी शेप बनाऊं, अरे भाई साहब शेड्यूल 3 तो बनाओगे, कंपनीज का काम कर रहे हो तो शेड्यूल 3 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी प्लीज ऐसी क्वेश्चन मत पूछा करो। AS के नाम और नंबर अच्छे से आपको पता होने चाहिए सर, आई होप बच्चे याद कर ही लेते हैं AS का नाम, क्योंकि AS के नाम और नंबर बिना दिए आप AS का आंसर लिखते हो तो बड़ा अजीब सा आंसर लगता है, उसके अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, AS के नाम नंबर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। स्टेशनरी वगैरह सर बिल्कुल प्रॉपर लेके जाना, ब्लैक बॉल पेन कैलकुलेटर वगैरह रख लेना, एडमिट कार्ड मत भूल जाना प्लीज, उसके बाद अपना नॉर्मल लाइट मील्स खाना सर, अब हाइजीन मेंटेन करके रखना, लिक्विड डाइट, गर्मी बहुत ज्यादा है लिक्विड डाइट पे फोकस करना, ठीक है। पेपर खत्म होते ही अपने आंसर किसी के साथ डिस्कस नहीं करने चाहिए, और अगर आपको कोई YouTube वीडियो दिखे कि भाई पास्ट पेपर है ना, मतलब जो पेपर है उसका एनालिसिस उसका डिस्कशन, अवॉइड दैट वीडियोस, मैं कभी भी इस टाइप की वीडियोस नहीं डालता क्योंकि सर मैं नहीं बिलीव करता, बाद में डालो पेपर खत्म होने के बाद डालो, मुझे समझ में नहीं आता कि सर एग्जाम टाइम पे क्यों डाल देते हैं लोग, ठीक छोड़ो उस चीज को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टे पॉजिटिव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखना, एंड जो होगा सर अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, मेहनत करोगे सक्सेस जरूर मिलेगी, बस पॉजिटिव रहना कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है सर एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत घबराहट रहती है वो नेचुरल है उसको होने दो, लेकिन अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना, 90% तैयारी कर रखी है ना तो 90% के ऊपर भी सर 100% कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ मेरी 90% तैयारी है उसको पक्का कर लो। 10% तैयारी नहीं हो रही है, कोई चैप्टर छूट गया सर छोड़ दो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही, जितना करा है उतना अच्छे से कर लो, उसके ऊपर आपको श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या करना अपनी सर तैयारी करके चलना, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम सर चैनल आप वैसे सर्च भी कर सकते हो सीए इंटर अकाउंट्स एंड ऑडिट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इस तरीके से आप क्या करना सर तैयारी करना, और ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर फोकस करके जाना, ये सॉल्व नहीं करने बैठ के, क्वेश्चन देखना है आंसर देखना है ऑडिट टेक्निक को फॉलो करना है, इनको बैठ के सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने का टाइम नहीं है, सॉल्यूशन देख लेना थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह देख लेना,
काम बन जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आई होप बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करोगे। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा नंबर है सर 9717175748, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को होगा प्लीज व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली रिजोल्व योर डाउट। मैंने पिछले भी सर अकाउंट्स में बच्चों के काफी रिजोल्व करे, हालांकि वो मेरा स्टूडेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उस डाउट रिजोल्व करे हैं, आप लोगों के भी सर डाउट रिजोल्व हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है जी। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।